हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम फिर से करेंगे होमोजीनियस में जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं होमोजीनियस इक्वेशन का विद पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ। और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे ऐसे आ रहा है, अब हमारी राइट हैंड साइड जो है e की पावर x प्लस 2y है, तो इसको कैसे करेंगे। हमें फिर से पता है कि जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो में तो मैंने बता दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते थे, आपको पता ही है कि हम इसको क्या मानते हैं, इसको dx भी मान सकते हो और dy भी मान सकते हो। तो हम डी को क्या मानते थे, dy को m ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए, और डी डैश को हम 1 मानते थे। तो ये क्या बन जाएगा, d की पावर, तो ये बन जाएगा सॉरी, और ये बन जाएगा m की पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर इनटू 1 और प्लस 4 का क्यूब इजिकल टू 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा n की पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस हमारा आ जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस हमारा आ जाएगा 4। अब क्या है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे टफ है। टफ क्यों है कि यहाँ m की पावर 3 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये इसकी पॉलिनोमियल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब इसमें तीन फैक्टर हैं, तो तीन फैक्टर कैसे निकालेंगे, m तो कॉमन ही निकल रहा। तो हम यहाँ एक रूट्स निकालने के लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें होता क्या है, हम अक्सम्पशन करते हैं कि हम क्या वैल्यू इसमें m की पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ जाए। तो दिखने में क्या लग रहा है कि मैं m की वैल्यू क्या कर दूं, इसमें मैं इसमें m की वैल्यू -1 कर देता हूं, ठीक है। तो -1 क्या किया, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 3 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 4 इजिकल टू 0। तो ये -1 और -3, ये बन जाएगा -4, तो ये बन जाएगा -4 प्लस 4 तो 0। तो ये हमारा हो गया है, तो यहां से हमें पता चल गया कि 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से पता चल गया कि एक फैक्टर इसमें है जिस जो है m -1, तो इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा m प्लस 1। इसका मतलब साथ में भी कुछ आना चाहिए, तभी तीन फैक्टर बनेंगे, दो और फैक्टर रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, m प्लस 1 को डिवाइड कर लेंगे किससे, हमारा था m की पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 के साथ। तो करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले m का स्क्वायर से करते हैं, तो m के स्क्वायर से करेंगे m की पावर क्यूब आ जाएगा और यहां प्लस m स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का और माइनस का, ठीक है। तो ये बन गया आपका, और ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4। आगे हम किससे करेंगे, आगे हम माइनस 4m से कर लेंगे। तो जब हम माइनस 4m से करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस 4m स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4m, तो इसके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा, और ये आ जाएगा 4m, तो ये बन जाएगा प्लस 4। किससे किया था, पहले m स्क्वायर से किया था, फिर 4m, फिर अब हम 4 से कर देंगे। 4 से करेंगे तो क्या बनेगा, 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा 4m प्लस 4। तो यहां से क्या हो रहा है, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस तो ये कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे फैक्टर क्या बन गए, हमारे यहां फैक्टर बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारा m प्लस 1 और एक हमारा बन रहा है m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4m माइनस 4m प्लस 4 बन रहा है। तो इजिकल टू क्या बन गया, 0 बन गया है। अब इसका ये क्या फॉर्मूला बनता है, m प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, वैसे तो इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये m माइनस 2 का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहां से हमें क्या, सॉरी ये नहीं आएगा, और ये क्या बन रहा है, यहां से m हमारा 1 आ जाएगा माइनस 1,
ठीक है, जिसको हम M1 बोल देंगे। M2 हमारा क्या बन जाएगा, 2, और M3 भी हमारा क्या बन जाएगा, 2। हमारे रूट्स कितने आए हैं, 3, ठीक है, 3 रूट्स आए हैं, 2 रूट्स उसमें इक्वल है। तो कैसे करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो निकलेगा F1 y प्लस m1x F2 y प्लस m2x, ठीक है, F3 y प्लस m3x बन जाएगा। तो साथ में यहां क्या आएगा, यहां x आना ही आना है क्योंकि यहां पर सेम थे रूट्स। तो ये बन जाएगा F1 y, तो ये बन जाएगा -1x, F2 y, ये बन जाएगा +2x, और x ऐसे ही आएगा F3 y प्लस 2x। तो हमने यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना सीख लिया है। ये थोड़ा सा टफ था क्योंकि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालना है। अब हमने निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकालते थे, 1 अपॉन जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, dx, तो यही था, d की पावर 3 था, ठीक है, जिसको dx बोलते थे, और -3 dx था, ऐसे ही था। तो यहाँ dx आ जाए, यहाँ dy का था, ठीक है, और ये क्या था, आगे आगे हमारा था dy की पावर 3, और यहाँ हम क्या, यहाँ हम था e की पावर x प्लस 2y, ये फंक्शन था। अब मैंने फिर से बोला है इसको कैसे करेंगे, अब ये क्या है, 1, तो यहां से dx की वैल्यू पता चलती है 1 है, और dy की वैल्यू पता चलती है 2 है, पर साथ में हम x प्लस y को भी u मानेंगे, और कितने रूट्स आए हैं, 3, तो 3 रूट्स आए हैं। तो हम कैसे करेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो ये 1 ही आई है इसकी वैल्यू, तो आएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस, तो यहाँ क्या था, यहाँ 4 भी होगा। निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल 1 अपॉन ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, और ये क्या बन गया हमारा, जो राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड e की पावर x प्लस 2y है, तो x के साथ जो होगा वो हमारा dx होगा, और dy के साथ होगा वो हमारा 2 होगा, मींस dy होगा, तो हम इसको u मान लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा, यहां हमने वैल्यू फिल कर दी है, और यहां क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये 2 आ जाएगा ऐसे, यहां क्या आएगा, यहां हमारा है 4, तो यहां आ जाएगा 4 इंटू 2 का क्यूब आ जाएगा, और यहां हमारा आएगा 3 बार इंटीग्रेशन। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे रूट्स कितने हैं, 3, तो ये बन जाएगा e की पावर u du du du, 3 बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 6, तो ये बन जाएगा 32, ये कितनी बार भी करोगे ये e की पावर u ही आएगा, 3 बार कर लो, 3 बार भी e की पावर u ही आएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 27 e की पावर x प्लस, ये हम वैल्यू फिल कर देंगे, तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमने क्या निकालना था, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला है, ये कितना है y1, तो ये कितना था y1 f1y 1 minus x plus f2y, ठीक है, तो ये क्या था हमारा, +2x f3 y plus 2x, अब रूट सेम थे इसलिए यहां x आएगा, और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने क्या निकाला, 1 अपॉन 27 e की पावर x प्लस 2y, और ये हमारा बन गया जनरल सॉल्यूशन। तो आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं। अब ये तो इजी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हम लिखते हैं वही लिख रहे हैं, यहां हम dx और dy की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं, u मान रहे हैं कि कन्वर्जन कर रहे हैं, और ये इंटीग्रेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 3 बार हमारे रूट्स आए हुए हैं, तो 3 बार हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसका आंसर तो सेम ही आएगा,
तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो जिन्होंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरी वीडियो की। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक।